अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग। टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक मालतीची चतुराई। आज आपण आपल्या नवीन पाठाला सुरुवात करत आहोत मालतीची चतुराई। इथे एक शब्द तुम्हाला दिसत आहे चतुराई। व्हाट डू मीन बाय चतुराई? किसको कहेंगे हम चतुराई, किसको बोलेंगे? होशियारी है ना। एक मालती नावाची एक लेडी, एक वुमन, वो किस तरह से कशा प्रकारे आपले चातुर्य दाखवून आपल्या बैलाला वाचवते ते आपण या पाठात पाहणार आहोत। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर लेसन मालतीची चतुराई। ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर टॉपिक। लुक ॲट द पिक्चर। इथं तुम्हाला एक लेडी दिसत आहे, ही मालती आहे, ठीक आहे। आणि याचं हाय मल्लन्ना, काय नाव आहे त्याचं? मल्लन्ना, ठीक आहे। पहा, आपण पाठाला सुरुवात करत आहोत, पुढे मी तुम्हाला त्याविषयी अधिक माहिती सांगणार आहे। मल्लन्ना, इथून पाठाला सुरुवात झाली। मल्लन्ना शेतावरून घरी आला। आता शेत मीन्स आपको पता है खेतीच, और खेत में काम करने के बाद कहाँ आया? घर पे आया। तो घरी आला, त्याने दोन्ही बैलांना गोठ्यात बांधले। आता त्याच्याजवळ बैल किती होते? दोन बैल होते, त्या बैलांना गोठ्यात। अब वो गोठा किसको बोलेंगे हम? जिथं बैलांना जनावरांना बांधतात ते काय असते? गोठा। त्याने गोठ्यात त्या दोन्ही बैलांना बांधले, त्यांना चारा पाणी दिले, मीन्स खाने के लिए उनको चारा पाणी दिया। हातपाय धुवून तो घरात गेला। त्याने हातपाय धुतले आणि तो कुठं गेला? त्याच्या घरात गेला। त्याची पत्नी मालती हिने भाजी भाकरी केली होती। मालती मल्लन्ना की वाईफ, पत्नी मीन्स वाईफ होत आहे। तर त्याची जी पत्नी होती मालती, तिने काय केली होती? भाजी भाकरी केली होती, रोटी सब्जी जिसको बोलेंगे हम खाना खाने के लिए, है ना। उनका खाना बन चुका था, तिने जेवण बनवले होते, भाजी भाकरी बनवली होती। दोघांनी जेवण केले, उन दोनों ने खाना खा लिया, ते दोघंही जेवले। आता मल्लन्ना शेतातील कामाने खूप दमला होता, वो बहुत थक चुका था, तो खूप दमला होता, वो बहुत थक गया था। अंथरुणावर पडताच त्याला झोप लागली, मीन्स जैसी वो लेटा उसके बिस्तर पर, उसको वैसी ही क्या हो गया? त्याला झोप लागली, मीन्स उसको नींद लग गई। सकाळी तो लवकर उठला, ही वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सकाळी उठला, बाहेर आला, पाहतो तर काय? देखो क्या देखता है? जैसी वो उठा और बाहर आया तो देखता है, क्या देखता है? गोठ्यात एकच बैल। वो जो गोठा हमने देखा, देखिए इथं फक्त एकच बैल दिसत आहे, यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही बैल दिख रहा है, दूसरा नहीं है। तर तो घाबरला, त्याला गोठ्यात एकच बैल दिसला, दूसरा बैल गायब, मतलब दूसरा बैल वहाँ पर नहीं था। अगं गोठ्यात एकच बैल आहे, आपला दूसरा बैल कुठे गेला? मतलब उस गोठे में क्या था? एक ही बैल था। तो उसने किसको आवाज़ लगाई? मालती को बुलाया कि देखो यहाँ पर क्या है, एक ही बैल है, दूसरा बैल आपला कुठे गेला? दूसरा बैल कहाँ पर गया अपना, कुठे गेला? तो मल्लन्ना ने घाबरून मालतीला विचारले, उसने पूछा कि अपना दूसरा बैल कहाँ गया। मालती झटकन बाहर आली, वो जल्दी से एकदम भागते हुए बाहर आई घर के। तिला ही या गोष्टी से नवल वाटले, उसके लिए भी ये चीज़ सरप्राइज थी कि एक बैल कहाँ गया, क्योंकि ये सब सोए थे और अचानक से बैल गायब हो गया। एक ही बैल वहाँ पर था, एकच बैल होता, काय करावे। मल्लन्ना आणि मालतीने गावात बैलाचा शोध सुरू केला। अब ऑब्वियसली हमारी कोई चीज़ अगर खो जाए, आपली जर एखादी गोष्ट हरविली, तर आपण काय करू? त्याचा शोध घेऊ, हम ढूंढेंगे ना उस चीज़ को, या कहीं मिलती है क्या। तो इसी तरह से उन्होंने उस बैल को ढूंढना शुरू किया। त्यांनी गावभर, पूर्ण गावामध्ये त्या बैलाचा शोध सुरू केला, पण बैल काही सापडेना, वो बैल नहीं मिला। तो बैल त्यांना सापडला का? नहीं। दोघेही खूप थकले, मतलब वो बहुत थक गए, घरी आले, अब घर वापस आ गए, बैल
नहीं मिला, त्यांना बैल सापडले नाही। आता काय करावे, अब क्या करना चाहिए, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बैल कोठे गेला असेल, अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है कि बैल कहाँ गया होगा। एकच बैल, एक बैल तो हमारा चोरी हो गया, काय करावे, उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहा पुढे आता, एका बैलावर शेती कशी करायची, अब वो पॉसिबल है क्या, एक बैल से खेती करना पॉसिबल है, नहीं, त्यासाठी आपल्याला दोन्ही बैलांची आवश्यकता लागेल। मल्लांना डोक्याला हात लावून बसला, म्हणजे उसने क्या किया, अपने सर पर हाथ रखा और वो परेशान होकर, देखिए पिक्चर में दिख रहा है, तो डोक्याला हात लावून काय झाला, तिथं बसला। आता पुढे पहा, तीन चार दिवस गेले, इथून आपण सुरुवात करत आहोत, तीन चार दिवस गेले, मल्लांना मालतीला म्हणाला, म्हणजे आफ्टर 3 or 4 days, तीन चार दिन होने के बाद मल्लांना मालतीला काय म्हणतो, पहा आपण तालुक्याला जाऊ, तालुका प्लेस होता है हमारा, है ना, थोड़ी सिटी होती है तालुका प्लेस, तालुक्याला जाऊ, तिथे गुरांचा बाजार भरतो, तिथे गुरांचा, गुर इथं गुरांचा आहे, गुर वर्ड मीन्स किसके लिए, जानवरों के लिए, एनिमल्स, बैल, उसमें भैंस, गाय, सारी चीज़ें आ गई, त्यांचा बाजार भरतो, तिथून एक बैल खरीदी करूँ, क्या खरीदी करेंगे हम, एक एक बैल, क्योंकि एक ही बैल था उनके पास, एक बैल पर खेती हो सकती क्या, नहीं, तो उन्होंने सोचा कि दूसरा बैल हम मार्केट से, बाजार से लाएंगे, जो बाजार भरता है उनका, जानवरों का। मालती म्हणाली, करा है तुमचं, एका बैलावर नांगरणी कशी करायची, जो खेती में हम काम करते वो एक बैल पर नहीं हो सकता, ऐसा दोनों ने सोचा और दोनों तालुका प्लेस पर वो बाजार में गए, ते दोघे बाजारात गेले बैल आणण्यासाठी। ठीक आहे, इथपर्यंतची आपण स्टोरी पाहिली, पुढचं जे आहे, पुढची स्टोरी आपण पुढच्या तासिकेला पाहूयात, मीन्स नेक्स्ट पीरियड में हम हमारी रिमेनिंग स्टोरी पढ़ेंगे के आगे क्या होता है, या वो दोनों तालुका प्लेस पर जा रहे, ते तिथं गेल्यानंतर काय करतात, ते आपण पुढच्या तासिकेला पाहूयात। ठीक आहे, तर तुमचा आजचा होमवर्क काय आहे, आज आपका होमवर्क क्या है, राइट डाउन 5 lines इन योर नोटबुक, एज यू विश यू चूज एनी 5 lines, आपको जो चाहिए आप वो 5 line लिख सकते हैं, दिलेल्या पाठातील कोणत्याही 5 ओळी तुम्हाला लिहायचे आहेत, मीन्स इस लेसन में से आपको कोई भी 5 lines नोटबुक में कॉपी करना है। ओके, रिमेनिंग लेसन वी लर्न अवर नेक्स्ट पीरियड। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।